गाइस, अब मैं आलू दम बना रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैंने भुना सूखा मसाला तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने ली है 1/2 टीस्पून सौंफ, थोड़ी सी देगी मिर्च, 2-4 लौंग, 1 छोटा दालचीनी, 2-3 तेज पत्ता। ये देखिए मैं इसे हल्का सा रोस्ट कर ली, मैं इसे कूट के इसको डालूंगी। इसी में मैं कढ़ाई में तेल डाल रही हूँ। ये लगभग 1/2 kg आलू है, जिसे मैंने बॉईल करके चाकू की सहायता से थोड़ा थोड़ा चेक कर लीजिए, और जो बड़ा आलू है उसे मैं कट कर दे रही हूँ। और मैं इसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च, 1 चम्मच धनिया, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, इसे मैं अपने दोनों हाथों से मिला के अच्छी तरह से मिला के मैं इसे अब तेल में डालूंगी। ये हमारा तेल ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है, इसमें मैं अब अपने उबले आलू को डाल दूँगी। इसमें 2 बैचेस में डालूंगी। ग्रेवी के लिए मैंने 1 प्याज को महीन महीन काट रही, और ये हमारा पिसा हुआ मसाला है। इसमें जीरा, लहसुन, अदरक, गोलकी, 1 टमाटर, थोड़ी सी काली मिर्च, सबको मैं उबाल के पीस ली हूँ। दो छोटे छोटे टमाटर को भी मैं छोटे छोटे क्यूब में काट रही हूँ। थोड़ा सा तो मैंने इसमें पीस भी दिया है, थोड़ा मैं कटी हुई डालने से टेस्ट और भी अच्छा आता है।
लगभग फ्राई हो चुका है, इसे मैं प्लेट में निकालती हूँ। नेक्स्ट बैच में इसे डाल दूँगी। हालांकि मैं इसे छोटे छोटे आलू से ही बनाती हूँ, बट अभी लॉकडाउन में इस समय तो मुझे मिलता भी नहीं छोटा आलू, तो मैं बड़ा आलू से ही इसे बना के आपको सिखा रही हूँ। चलो ये मसाले को मैं पूरी मेथी है, आधा चम्मच सौंफ है, लौंग और इलायची है, इसको मैं अच्छे से कूट लेती हूँ। आलू हमारा बन के तैयार है, मैं इसे अभी निकाल लेती हूँ। ग्रेवी की तैयारी करती है, इसमें मैं थोड़े तेल को और डाल दी। थोड़ी सी हींग, और मैं इसमें प्याज जो मैं चॉप की थी उसे डाल देती हूँ। जब तक प्याज हमारा ब्राउन नहीं हो जाता तब तक मैं इसे चलाती रहती हूँ। थोड़ा सा लहसुन का स्मेल खत्म होने तक मैं इसे भूनूंगी। अब मैं इसमें कटी हुई टमाटर को ऐड कर रही हूँ। किसी भी चीज़ में जब भी आप टमाटर डालें तो उसमें तुरंत नमक डाल दें, इससे हमारा टमाटर जल्दी से मैश हो जाता है। Thank you.
हमारा टमाटर मैश नहीं हो जा रहा अच्छी तरह मिल नहीं जाता है तब तक मैं इसे गैस मिल करके नेक्स्ट मैं इसमें एक चम्मच धनिया भर के हल्दी और दो चम्मच मिर्च पाउडर एक चम्मच कश्मीरी मिर्च डाल कश्मीरी मिर्च डालने से टेस्ट अच्छा तो होता ही है कलर बहुत ही अच्छा आता है। अब मैं ये अपना पिसा हुआ प्याज टमाटर अदरक लहसुन सब इसमें ऐड करती हूँ। इसे भी मैं अच्छे से भूनूंगी। आप चाहो तो इसमें एक चम्मच बेसन भी डाल सकते हैं लेकिन आज मैं इसे स्किप कर दी हूँ क्योंकि हमारा कढ़ाई में वो चिपकने लगता है। इसीलिए मैं आलू को फ्राई की थी जिसके कारण मैं बेसन नहीं डाली। इसमें अपनी जो भुना मसाला था सौंफ जीरा इलायची लौंग सब डाल देते हैं। इसे भी मैं भून गई। अब मैं इसमें थोड़े से पानी को डाल देती हूँ ताकि हमारा मसाला कढ़ाई में चिपके। इसे रोटी पराठा चावल किसी के साथ भी बना के खा सकते हैं। देखिए हमारा मसाला अच्छी तरह से हमारा टमाटर देखिए कितनी अच्छी तरह से इसमें मैश हो गया है। थोड़ी पानी डाल के ना ये देखिए हमारा कलर मसाले का कितना अच्छा लग रहा है। वाह बहुत अच्छी स्मेल भी आ रही है इसकी। तो धीरे धीरे मसाला जो है तेल भी छोड़ने लगा है साइड से। इसे मैं 2 मिनट और अच्छे से भून के तब मैं अपने जब भी दम आलू बनाए तो छोटे छोटे आलू लें। छोटे आलू का बहुत ही अच्छा आलू दम बनता है बट मेरे पास आज तो था नहीं इसलिए मुझे इससे ही बनाना पड़ा।
अब मैं इसमें अपने सारे आलू को डाल रही हूँ। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, सौंफ, जीरा, दालचीनी, एक चम्मच मैं इसमें टमाटर केचप भी डाल दी, इससे भी स्वाद बढ़ जाता है सब्जी का। हमारा आलू दम बनके तैयार हो गया। ऑलमोस्ट ये सारा तेल अब कढ़ाई के चारों तरफ छोड़ने लगा है। अब मैं इसमें एक गिलास पानी मिनट में इसे कवर करके थोड़ी सी धनिया पत्ता ऊपर से मैं डाल देती हूँ। एक दो मिर्च और
चाहो तो इसमें थोड़े से क्रीम भी डाल सकते हैं। अब मैं इसे डिस आउट करती हूँ। ये देखिए, मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। ये देखिए, हमारा आलू दम बन के खाने को तैयार है। आप इसे पूड़ी, पराठा, रोटी, किस चावल किसी के भी साथ खाओ। लॉकडाउन में बनाए और अपने परिवार के साथ इस सब्जी को खाए। घर में रहें, सुरक्षित रहें। जान है तो जहान है। देखिए, मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। ये देखिए, हमारा आलू दम बन के तैयार है। इसमें आप इस पर ऊपर से एक टीस्पून घी डाल दें, आपका आलू दम रेडी टू ईट है। आप इसे बना के खाएं।